नमस्कार। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रविवार को दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई है। एक ट्वीट के जरिए बताया गया है, दिलीप साहब खार के नॉन कोविड पीडी हिंदुजा अस्पताल में रूटीन टेस्ट और जांच के लिए भर्ती हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर नितिन गोखले के नेतृत्व में एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। कृपया साहब को दुआओं में याद कीजिएगा और सुरक्षित रहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिलीप कुमार को अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है और उनकी देखरेख में ही उनका इलाज हो रहा है। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल है। वैसे तो अक्सर दिलीप को रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना होता है, लेकिन इस बार सांस संबंधी परेशानी के कारण सामने आने के बाद दिलीप के फैंस की चिंता बढ़ गई है। पिछले महीने भी दिलीप साहब अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। 2 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनको छुट्टी मिल गई थी। वैसे आपको बता दें, कोरोना काल में दिलीप और सायरा तमाम एहतियात बरत रही हैं। कुछ वक्त पहले ही दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से लिखा गया था, सभी के लिए प्रार्थना। साथ ही दिलीप सायरा ने फैन से घर रहने की गुजारिश की थी। बता दें, दिलीप के दोनों भाइयों का निधन पिछले साल हुआ था। कोरोना संक्रमण के कारण 88 साल के असलम और 90 साल के एहसान खान की मौत हो गई थी। दिलीप और सायरा भी तमाम सावधानियां बरत रही हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका असली नाम यूसुफ खान है। फिल्मी दुनिया में पैर जमाने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर लिया था। इसी नाम से उन्हें दुनिया ने जाना, पहचाना और खूब प्यार दिया। फिलहाल दिलीप के जल्द से जल्द ठीक होने की उनके फैंस दुआ कर रही हैं। दिलीप की सेहत से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।